नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर निकली बंपर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से आपकी ऑफिशियल वैकेंसी निकलने जा रही है। 10,000 से ज़्यादा पद आपके रहने वाले, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ के पद आपके रहने वाले हैं। इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट का क्राइटेरिया, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। कैटेगरी वाइज पोस्टों के अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 7,000 से ज़्यादा पदों पे आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3544 वैकेंसीज, EWS की 181 वैकेंसीज, OBC की 2581, SC की 566 और ST की 605 वैकेंसीज रहने वाली है। फॉरेस्ट रेंजर की यहाँ पे 685 वैकेंसीज रहेगी, वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड की आपकी 2375 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी। टोटल मिला के 10,537 पद आपके रहेंगे। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं बाकी की अदर डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रखा गया है। मेल और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें हाइट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे चेस्ट की तो 84 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। रनिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चलना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 16 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चल के जाना पड़ेगा। दोस्तों एज लिमिट का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल का आपका क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए 30 साल का, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी 18 से 27 साल का रहेगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का और PWD कैंडिडेट को 8 साल तक की छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, वहीं रेंजर के पोस्ट के लिए बेचलर डिग्री मांगी गई किसी भी स्ट्रीम के अंदर। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए मात्र 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेज नहीं रहेंगे। फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, चेक वगैरह आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पे स्केल दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये, वहीं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 25,200 से लेकर के 80,200 रुपये पर मंथ, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। वैकेंसी में जो प्रोसेस होंगे सिलेक्शन के, वो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 4 फेज आपके होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की 5 जुलाई रहने वाली, 5 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 5 अगस्त रहेगी। 5 अगस्त तक सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।